दोस्तों, पाकिस्तान एक आतंकी मुल्क है और पाकिस्तान के 100% मजहबी इस्लामिक आतंकवादी हैं। चाहे वो पाकिस्तान का पंजे बनाने वाला हो, सेना हो, प्रधानमंत्री हो या फिर पाकिस्तान की मलाला हो, इन सब की मानसिकता आतंकवादी है। और इसका परिचय पाकिस्तानी मलाला ने फिर एक बार दे ही दिया और कश्मीर मुद्दे को लेकर सोशल मीडिया पर दोगलाई की। पाकिस्तान जिसके यहाँ खुद महाव्याधिकार नाम की कोई चीज नहीं है, पाकिस्तान जिसके यहाँ अल्पसंख्यक पूरी तरह तबाह और बर्बाद कर दिए गए, पाकिस्तान जहाँ रोजाना हिंदुओं, सिखों, ईसाइयों की बेटियों का बलात्कार, धर्मांतरण चलता है, वो पाकिस्तान भारत पर उंगली उठाएगी तो इसे कोई सहन नहीं कर सकता। और पाकिस्तान मलाला ने जब भारत पर उंगली उठाई तो फिर उसके बाद अब सोशल मीडिया पर लोग मलाला का हलाला कर रहे हैं। पहले तो आप देखिए कि किस प्रकार मलाला ने कश्मीर के मुद्दे पर भारत के खिलाफ दोगलाई की। मलाला का कहना है कि कश्मीर में 4000 को जेल में बंद कर दिया है, छात्रों पर भी कहर भरपाया जा रहा है, 40 से ज्यादा दिन हो चुके हैं, लड़कियों के लिए बुरा हाल हो चुका है। मलाला ने कहा कि मैं संयुक्त राष्ट्र के लीडर से बात कर रही हूँ, कश्मीर को लेकर मैं चिंतित हूँ, वहाँ बच्चों को स्कूल जाने नहीं दिया जा रहा है, कश्मीरियों की आवाज को सुना नहीं जा रहा है। मलाला ने भारत के कश्मीर पर दोगलाई दिखाई, खुद मलाला के देश के क्या हालात हैं उस पर ये मौन है, पर भारत पर उंगली उठाकर दुनिया को बता रही है कि भारत कितना अत्याचारी है। मलाला जिसके खुद के देश में दूसरे धर्म की लड़कियों का आए दिन बलात्कार, अपहरण, धर्मांतरण हो रहा है, वो भारत पर उंगली उठा रही है। दोस्तों, मलाला की दोगलाई को लोगों ने नहीं सहा और मलाला का अब सोशल मीडिया पर जमकर हलाला किया जा रहा है। मलाला की दोगलाई को लोगों ने बर्दाश्त नहीं किया, ऊपर आप सिर्फ कुछ उदाहरण देख रहे हैं। मलाला को लोग कुछ ने बताया कि उनके देश पाकिस्तान में कुछ दूसरे धर्म की लड़कियों, बलोच लोगों का क्या हाल है, जिस पर दोगलाई की चैंपियन मलाला मौन है। दोस्तों, और अधिक जानकारी के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी जरूर दबाएं। धन्यवाद।